फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया गुप्ता और आज आपके साथ यहां पे लेके आई हूं पॉलीनोमियल्स का क्लास 9 का आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशंस। ओके, अभी तक हम यहां पे नंबर सिस्टम के चैप्टर्स को भी अपलोड कर रहे हैं साथ साथ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको नंबर सिस्टम के भी लाइन से क्वेश्चन दिख जाएंगे एंड पॉलीनोमियल्स को हम लेके साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आइए इसे प्रोसीड करते हैं। यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डीपली मिलेगा एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशंस के पीडीएफ भी अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, और ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। येस, ओके, दिस इज अबाउट मी एंड दिस यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चंस ना देखे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और साथ साथ एक्सरसाइज 2A को भी पूरी तरीके से डिस्कशन कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे आरएस अग्रवाल का जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 1, वो भी साथ साथ अपलोड कर रहे हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं वेरीफाई दैट, आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफिकेशन करना है। वेरीफाई करके क्या बताना है, यहाँ पे देखिए 4 पार्ट्स आपको गिवन है। पहला आपसे कह रहा है 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। तो आइए हम इसे पार्ट्स वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपसे कह रहा है उसमें आपको देखिए p ऑफ x क्या गिवन है, x माइनस 4, और आपसे कह रहा है कि आपको वेरीफाई क्या करना है कि 4 इसका जीरो होगा। तो देखिए, जो आपसे कह रहा है ना कि जीरो आपको दिखाना है, तो आप वही यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या रखेंगे, एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब हम x को 4 यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। और जैसे ही आपको p ऑफ x 0 मिला इस वैल्यू को रखने पे, सो वी कैन से यस यस x इज इक्वल टू 4 इज द 0 ऑफ px। ठीक है, ये 0 ऑफ px आपका हो जाएगा, सो वी हैव वेरीफाइड। ठीक है, ओके, ये आपने कैसे बोल दिया, आप चाहते हो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि सिंस एट x इज इक्वल टू 4 p ऑफ आपका 4 क्या दे दिया गया, 0 दे दिया, इसलिए हमने कहा कि x इक्वल टू 4 इज अ 0 ऑफ px हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे हमसे कह रहे हैं माइनस 3 इज अ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल q x इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पॉलीनोमियल लिख लेंगे, दैट इज q x विल बी इक्वल टू व्हाट, x प्लस 3, और आपको किस वैल्यू के लिए दिखाना है, यहाँ पे माइनस 3 के लिए दिखाना है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, जब हम x को माइनस 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए q ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, और ये देखिए आपको कट करके क्या यहाँ पे वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा। और जैसे ही आपको ये वैल्यू 0 मिल गई है, इट मीन्स वी कैन इजिली कंक्लूड कि देयरफॉर वी कैन से दैट एट x इज इक्वल टू माइनस 3 p ऑफ माइनस 3 विल बी व्हाट, 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सो माइनस 3 इज द 0 ऑफ क्यू एक्स। यस, आप यहाँ पे क्यू लिखेंगे क्योंकि आपका पॉलीनोमियल में यहाँ पे क्यू मेंशन है, ना कि पी। ठीक है, तो वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस, ये आपको समझ में आ गया। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, क्योंकि आपको यहाँ पे वेरीफाइड करके बताना था। क्योंकि देखिए वेरीफाइड का सेंस क्या होता है, ये पहले से है, ठीक है, ये आपका पहले से है, बट आपको ये दिखाना है कि कैसे है। ठीक है, अब आइए थर्ड पार्ट पर। थर्ड में लिखा है 2/5 इज अ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 5x। देखिए हम सबसे पहले अपना एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स हमें गिवन है 2 - 5x एंड दिस विल बी द थर्ड पार्ट। और आपको किस वैल्यू के लिए दिखाना है, यहाँ पे आपका लिखा है 2/5 के लिए। सो वी विल राइट व्हेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2/5। जब एक्स की वैल्यू 2/5 लेंगे तो देखिए एफ ऑफ 2/5 इज इक्वल टू व्हाट, 2 × 5 × 2/5। देखिए मैंने x की जगह रख दिया और जब ये मैंने रखा तो 5 पर आपका कट हो गया, तो आपको क्या मिल गया, 2 - 2। और 2 - 2 मिलने पे आपको यहाँ पे क्या दिख गया, 2 - 2 क्या देगा, 0 दे देगा। ठीक है, और जैसे ही आपको ये 0 मिल गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2/5 हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है f ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इक्वल टू 2/5 इज द 0 ऑफ एफ एक्स। तो यह आपका एफ एक्स का 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर आंसर, सो वी कैन से दैट हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपना यहाँ पे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहे हैं -1/2 को बताना है इज अ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल g ऑफ y
इज इक्वल टू 2y+1। तो लिख लेते हैं जी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y+1, और ये हमें दिखाना किस पे है, -1/2 पे। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। सो वी विल राइट व्हेन वाई इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, जब वाई की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी -1/2, सो वी कैन इजिली से दैट जी ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे रख लेते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन -1/2 और +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा -1+1, और ये क्या दे देगा आपको, 0। जैसे ही आपको 0 मिल गया, सो वी विल से कि एट जी इज इक्वल टू -1/2, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया जी ऑफ -1/2 की वैल्यू यहाँ पे 0। और जैसे ही हमें 0 मिला, सो वी कैन से कि देयर फोर जी इज इक्वल टू -1/2 इज द 0 ऑफ वॉट, जी वाई। ठीक है, ये इसका 0 हो जाएगा, हेंस वी कैन से दैट इट इज वेरी वाई। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को एग्जैक्टली करना था। ठीक है, जो आपको दिया गया था उसे मैं प्रूव करना था कि वो उसका 0 है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में 0 वर्ड दिया हो या रूट्स गिवन हो और आपको सॉल्यूशंस गिवन हो, तो ध्यान रखिएगा इन सबका सेंस एक ही होता है। ठीक है, बस वर्ड्स यूज करने का तरीका अलग है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है 4 इज 0 ऑफ द पॉलीनोमियल की जगह रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, तब भी आपका सेंस वही होता कि आपको ये दिखा रहा था कि ये वैल्यू को रखने पे पॉलीनोमियल में आपका पॉलीनोमियल 0 बन जा रहा है। अगर 0 बन रहा है तो रूट्स है, नहीं 0 बन रहा है तो रूट्स नहीं है। ओके, सो होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कशन करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड यस लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस बताया है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक इजिली मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ के थ्रू आप अपने सॉल्यूशंस को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड यस आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं रेगुलर आपको वीडियोस के अपडेट्स देती रहती हूँ, जो भी यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को आगे देखेंगे, और साथ साथ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारे आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपना वहां पे व्यू जरूर दें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।